हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो आज है 4 अगस्त। आज मुझे जाना है देहरादून। इसलिए जाना है क्योंकि मेरा आज पेपर है, मैंने SSC का भरा था SSC ट्रायल के लिए। तो एडमिट कार्ड उसका अभी आ गया था तीन चार दिन पहले। सो आज है पेपर, और मेरा सोचो पेपर कितने बजे होगा। मेरा पेपर है 5:15 से 6:15 शाम को, और मुझे जाना है देहरादून 4:15 की, 4:15 तक, शायद 4:15-4:30 तक मुझे वहाँ मतलब अपना जाना है। वहाँ पे वेरीफाई वगैरह, फ़ोटो वगैरह जो भी है सब देखेंगे वो। तो कम से कम 3 बजे तो निकलना पड़ेगा घर से। तो अभी बहुत काम करना है, एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी करनी है, आधार कार्ड, फिर फ़ोटो भी चाहिए। तो फटाफट कराते हैं, फिर मिलता है। सो फाइनली हमने अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लिया है, एक काम हो चुका है हमारा। अब दूसरा काम है, हमें आधार कार्ड चाहिए और 2 फ़ोटो चाहिए। अब देखनी पड़ेगी फ़ोटो है कि नहीं है, या फ़ोटो की जानी पड़े, ढूंढते हैं उसे। मम्मी अभी बना रही है प्याज के परांठे, और ऐसे यूजुअल मम्मी नानी और उसे बात ही कर रही है वीडियो कॉल पे। हम तब तक ढूंढते हैं, तब तक परांठे भी बन जाएंगे, तब मिल। सो फाइनली सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इसमें रख दिए, इस फोल्डर में, ताकि वहाँ पर जाके मतलब दिक्कत ना हो, एक ही जगह पर सब मिल जाए। मम्मी ने परांठे शायद बना दिए हैं, कब से लगी हुई, अभी तक नहीं बने। फिर खा पी के मिलते हैं आपको, टाइम भी हो गया, 12:15 हो गए, टाइम भी कम है, फटाफट करते हैं, मिलते हैं आपको सीधा 5:15 से। हाँ कहाँ गया, ये रहा 5:15 से 6:15 तक, वो एग्ज़ाम 5:15 से 6:15 तक है, और एंट्री टाइम 4 बजे से 4:15 तक है। सो निकलेंगे टाइम पे, 1 घंटे में शायद पहुँच जाएंगे, 3 बजे निकलेंगे। तो क्योंकि हमें रास्ता गूगल मैप ही बताएगा, अब जितनी जल्दी पहुंचा सकते हैं वही पहुंचा पाएगा हमें। टाइम कुछ तो पड़ा है नहीं, ऐसे ट्राई देके आएंगे, देखेंगे किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। आएंगे तो बहुत हार्ड वाले, बट करके आएंगे हम भी, मिलते हैं। सो फाइनली परांठे मिल चुके हैं, खाते हैं, तैयार होते मतलब वेट करते हैं, थोड़ा रुकेंगे, फिर तैयार होते हैं, फिर सीधा गाड़ी पर मिलते हैं आप। सो सब कुछ हो चुका है, अंतरिक्ष का फ़ोन आज गया है, वो मेरे साथ जाएगा, और मैं हेलमेट भी ला गया राणा से, ताकि शूट भी हो सके, मोटो ब्लॉग भी हो सके। सो निकलेंगे हम 3 बजे, अभी बज रहे हैं 2, तो फिर मिलते हैं सीधा कहाँ, मोटो ब्लॉग पे। सो निकल रहे हैं अब हम घर से, बैग हमने पैक कर लिया, पैसे हमने ले लिए हैं, अभी टेम्पो का किराया लेंगे मम्मी से। मम्मी पैसे गिन रही, टेम्पो का किराया मिलेगा, मुझे फाटक तक जाना है पहले टेम्पो में, फिर वहाँ से अंतरिक्ष मिलेगा, फिर वहाँ से जाएंगे हम दोनों। हेलमेट मेरा मैंने रख लिया अपना, ताकि वहाँ से मोटो ब्लॉग हो सके। निकलते हैं हम घर से, पैसे लेके, पैसा हमारे होम मिनिस्टर के पास पैसा बहुत है। बाय बाय गाइस, निकल चुके हैं हम घर से, see you in moto vlog, bye। सो निकल चुके हैं घर से, अब फाटक तक जाना है टेम्पो में, फिर फाटक से अंतरिक्ष उठा लेगा। हेलमेट मैंने पकड़ लिया साथ में, बस वहाँ से मोटो ब्लॉग करेंगे। सो पहुँच चुके हैं फाटक, अंतरिक्ष का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आता है। तो यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा, अबे भयंकर फोन में कैसे दिख रहा, और उसमें देख कैसे दिख रहा, फोन में देख रहा तू।
हो रहा है, मैं 9 बजे पहुँचा हूँ घर पेपर दे के। वहाँ पे मतलब बारिश लग रही थी, पहले धीरे थी फिर तेज हुई, मतलब बारिश में भीगते रहे, पूरा भीग गए थे। तो सीन ऐसा था कि हम वहाँ पहुँचे आई सी एस में वो पेपर हुआ। वहाँ पे सारे पेपर होते हैं, मतलब जितने भी SSC का, बैंक वगैरह का, शायद वहीं होता है। तो वहाँ पे सीन ऐसा है, जैसे तुम जाओगे एंट्री करोगे, वहाँ पे सैनिटाइज करोगे अपने आप को, हाथ में सैनिटाइज़र मिलेगा, आगे जाओगे चेकिंग होगी, पहले वैसी चेकिंग होगी कि तुम पर्रे फुर्रे तो नहीं तुम पे, फिर वो मेटल डिटेक्टर से होगा, मेटल डिटेक्टर से कि फ़ोन फान चेन तुम कुछ नहीं जा सकते, तुम्हें गेट में ही रोक देंगे, चाबी चेन और की ये तुम अंदर नहीं ले जा सकते, ये तुम्हें बाहर ही रखने पड़ेंगे। फिर वो मेटल डिटेक्टर से चेक होगा, फिर जाओगे, फिर आधार कार्ड से तुम्हारा चेक होगा, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, वो तुमसे नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, फिर तुम अंदर एंट्री करोगे। तो वहाँ पे वो तुम्हारे एडमिट कार्ड में ना QR होगा, वो उसको स्कैन करके देख लेंगे वहाँ पे, फिर तुम्हें ऊपर भेज देंगे। कितने सेकंड तो होता है सेकंड में, हाँ। वहाँ पे फिर ऐसा है कि जहाँ पे टेस्ट है, मतलब D1, D2, D3 ऐसा है, वहाँ पे रूम ऐसे बट रखे। तो मेरा D1 में था, तो D1 में एंटर किया, वहाँ पे एक मतलब मैम वो ले रही थी फिंगरप्रिंट और फोटो, उसमें खींच रहे थे, मतलब पहले वो भी पूछते हैं भाई आधार कार्ड देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछी, फिर लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगाना है, अंगूठा तुम्हारा लग गया, फिर तुम्हारी फ़ोटो खींचेगी, फिर तुम्हें अगले फिर एक और बार आगे जाना है, फिर तुम्हारा एडमिट कार्ड देखेगा, रोल नंबर के हिसाब से तुम्हारा मतलब उनके पास रहेगा, फ़ोटो वगैरह रहती है उसमें ही, वहाँ पर साइन करना होता है अंगूठा। फिर तुम्हें कंप्यूटर अलॉट होगा, कंप्यूटर पे वहाँ ऐसा था C16, C1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मेरा C16 था। फिर वहाँ पे वो लॉगिन पेज आता है, फिर एक वो पेपर देते हैं, उसमें मदर्स नेम, एड्रेस और एक लाइन लिखवाते हैं, वो इंग्लिश और हिंदी में, वो कंप्यूटर में अपने आप आती है स्क्रीन में, वही हमें लिखना होता है। फिर कुछ नहीं, वहीं पे अपने आप एक पॉपअप आता है फिर कि तुम अपना मतलब टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो, फिर माइक में भी अनाउंस हो जाता है, बस पेपर करो, टाइमर वहाँ चलता रहता है, रिवर्स में चलता है, 1 घंटे का है, 100 क्वेश्चन होते हैं, और नेगेटिव था 0.5 का था, बाकी पढ़ा तो कुछ था नहीं, ऐसे करके आ गए, बस यही हुआ वहाँ पे। फिर अंतरिक्ष अपने घर चला गया, मैं अपने घर आ गया हूँ। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।